नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी मेकर .99 में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपने आपके सामने दो प्रश्न देख रहे हैं, ये सभी प्रश्न अगर आपने देख लिए तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन पक्का है, सिर्फ एक रीजनिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कराए जाएंगे वो सभी के सभी 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और 2022 में इन क्वेश्चनों के आने के 100% चांस मान लीजिए आप दोस्तों। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों में क्या बोला गया है कि जैसे कि ऊपर संख्या आपको दिख रही होगी, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस टाइप से आप संख्या देख रहे, जैसे कि 4 2 लिखा है, 4 लिखा है और 20 लिखा है, तो इन तीनों से मिलकर कोई एक संख्या फाइंड करना है। और इन दोनों से मिलकर यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इन दोनों में क्या हुआ है यहाँ पे आपको संख्या बतानी है। महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको सीखना जरूर, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न ही आपको SSC GD में पूछे जाते हैं। देखिए, इन सवालों में क्या होता है कि जैसे कि आपके आपके सामने सवाल दिख रहा है, यहाँ पे दो छोटी छोटी संख्या है और यहाँ पे एक बड़ी संख्या बन गई, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हुआ होगा, तभी तो आपको ये संख्या प्राप्त हुई है। तो देखिए, ऐसे जैसे कि दो है, दो में आपका दो, जैसे दो का वर्ग लिख लीजिए आप, दो का वर्ग कितना होता है आपका 4, और 4 का वर्ग कितना होता है 16। अगर इन दोनों संख्या को हम प्लस करें तो क्या रहा, हमारा 20 बनेगा। जी हाँ, 4 और 16 को हम प्लस करेंगे तो हमारा 20 बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर यही ट्रिक हम इस सवाल में लगाते हैं तो क्या हमारा आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए देखते हैं, जैसे कि 3 का वर्ग होता है आपका 9 और 2 का वर्ग होता है आपका कितना 81। 9 का वर्ग कितना होता है आपका 81। क्या हम इन दोनों संख्या को प्लस करेंगे तो क्या रहा हमारा क्या पर बनेगा 81, 9 को प्लस करेंगे तो क्या रहा हमारा 90 संख्या बनेगी। तो 90 ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को SSC GD में 2021 में पूछा गया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपने सॉल्व करके बता दिया है। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर से करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ उसी प्रकार से करना है जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में किया था। जैसे पहले क्वेश्चन में आपने निकाला था कि यहाँ पे 2 का वर्ग, 2 का 4 का वर्ग, यह इस प्रकार से भी कुछ यहाँ पे करना है। जैसे कि 4 है, 4 कौन सी संख्या का वर्ग है आपका 2 का वर्ग है आपका 4। 9 किसका वर्ग है, 9 है आपका 3 का वर्ग है 9। तो 3 और 4, 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 6 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि इसमें भी हम यही ट्रिक लगा के देखने वाले हैं। इसमें हम लगाएंगे जैसे कि 9 का वर्ग कितने का वर्ग है 3 का, 16 है हमारा 4 का वर्ग, ठीक है, दोनों का वर्ग है तो दोनों को कर देंगे गुणा, तो 4 होता है 12, यानी कि 12 हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSC GD में। आई होप कि आपने क्वेश्चन देखा है, अगर आपने क्वेश्चन देखा है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से करके जाएं, महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए एक और इसी प्रकार से सवाल देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्वेश्चन को SSC GD में, SSC GD की बात माने तो SSC GD में इस क्वेश्चन को 2021 में पूछा गया था, 3 से 4 सेट लगातार सेट पेपर में, और इस क्वेश्चन को आपको SSC GD के लिए पूछा गया था, और CHSL का भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इन क्वेश्चनों को देखना ना भूलें। अब हम आपको बता दें कि पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि यहाँ पे 4 संख्या आपके सामने दिख रही है, कितनी संख्या 4 संख्या दिख रही है, यहाँ पे एक संख्या भिन्न है, यानी कि एक संख्या जो सबसे अलग है, 3 संख्या सेम होगी आपको, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको इस प्रकार के सवाल कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर से बताना है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इन सवालों को सॉल्व करने से पहले हम एक बात बता दें कि रोज आपको दोपहर में 1 PM पे इस चैनल पे आपको GK GS की क्लास अपलोड कराई जाती है, और रोज 8 PM पे आप, इनकी रात में 8 बजे आपको मैथ की क्लास कराई जाती है। अब बात आती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग की आपको 8 AM यानी कि सुबह के सुबह आपको रीजनिंग की क्लास अपलोड कराई जाती है, वो भी इसी चैनल पे। ये सभी क्लास अगर आपने ध्यानपूर्वक देख ली तो यकीन मानिए आपका SSC GD और SSC CHSL में सिलेक्शन पक्का है। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए अब हम सवाल पे आते हैं। देखिए, 21 क्या कोई आपका वर्ग है, किसी संख्या का वर्ग बनता है, नहीं बनता है,
क्या 50 हमारी किसी संख्या का वर्ग बनता है? तो नहीं बनता है। क्या 60 हमारी किसी संख्या का वर्ग बनता है? तो वो भी हमारा नहीं बनता है। अब देखिए 25, 25 हमारा होता है 5 का वर्ग, बाकी संख्या हमारी किसी का वर्ग नहीं। तो आपके सवाल में बोला गया था कि आपको एक संख्या भिन्न है, वो भिन्न संख्या को आपको बताना है, तो भिन्न तो आपकी 25 ही है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉजी का, जो कि 23 के अकॉर्डिंग बना है, 299, 24 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना है। तो 23 के साथ आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका 299 हो जाएगा। वही ट्रिक जो इसमें लगाएंगे आप, वही ट्रिक आपको 24 में लगाने हैं। तो 24 की जगह पर क्वेश्चन मार्क जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर भी संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। देखिए क्या करेंगे, 23 में करेंगे हम 13 से गुणा। तो देखिए 13 का 9, 13 3 26 और 3 बनेंगे, 299 आपका आ जाएगा। तो अगर 13 में इसमें गुणा करेंगे तो वही तर्क हम 24 में लगाएंगे, इसमें हम 13 से गुणा कर देंगे जैसे कि, तो हमारा 312 राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि आप गुणा करके जरूर से देखिएगा, 312 हमारा सही उत्तर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपको क्लियर कराए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, क्योंकि अगर हमारे वीडियो बन रहे हैं इतनी मेहनत लगती है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, और वीडियो बनाने के लिए अगर आप लाइक ज़रूर करिएगा तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा आप लोगों का। इसलिए हार्ट टू हार्ट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है आपको इस चैनल के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए वंदे मातरम।